दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और इस स्टोरी के अंदर बहुत ही बेसिक ग्रामर को यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाया गया है, तो जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है और जो बेसिक ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसका बहुत ही अच्छा यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है क्लेवर अर्जुन। दोस्तों, क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, चालाक अर्जुन। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर कर लें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अर्जुन एंड हिज यंगर ब्रदर करण वर अलोन एट होम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में, वहाँ किसी भी वर्ब मतलब कि क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो सिंपल कहलाते हैं। और यहाँ पर जो ये वर है इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसमें वर लगाया जाता है, तो यहाँ हमारा जो प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसकी वजह से यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, अर्जुन एंड हिज यंगर ब्रदर। यंगर का मतलब होता है छोटा, छोटा भाई। मतलब एक बार अर्जुन और उसका छोटा भाई करण वर अलोन, वो अकेले थे एट होम, घर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अर्जुन एंड हिज यंगर ब्रदर करण वर अलोन एट होम। मतलब एक बार अर्जुन और उसका भाई और उसका छोटा भाई करण घर पर अकेले थे। चलिए आगे देखिए। देयर फादर वॉज अ पुलिस ऑफिसर। और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वॉज या वर। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारा सब्जेक्ट है ये देयर फादर, ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर फादर, देयर फादर मतलब उनके पिता। देयर फादर वॉज अ पुलिस ऑफिसर, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि उनके पिता एक पुलिस अधिकारी थे। चलिए आगे देखिए। ही हैड ब्रॉट अ रेड फाइल होम। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और आप पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है आप उसे नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली अच्छी बात यह है कि पास्ट परफेक्ट में जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल वर्ब होती है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है, जो होती है हेड। तो यहाँ अगर आप पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे वो सिंगल हो प्लूरल हो कुछ भी हो, तो आपको सिर्फ हेड का प्रयोग करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, स्पेलिंग है BRING और ये उसकी थर्ड फॉर्म है BROUGHT। ब्रिंग मतलब लाना और ये थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड ब्रॉट, वो लाए थे अ रेड फाइल, एक लाल फाइल को होम, घर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड ब्रॉट अ रेड फाइल होम, मतलब वह एक लाल फाइल को घर लाए थे। चलिए आगे देखिए। इट कंटेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द नोटोरियस टेररिस्ट। दोस्तों, कंटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कुछ होना, उसे कंटेन कहा जाता है। और कंटेन को यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, और कंटेन की सेकंड फॉर्म है कंटेन्ड, CONTAIN। यहाँ तक ये पहली वर्ब फर्स्ट फॉर्म है कंटेन, और यदि आप इसमें ED जोड़ेंगे तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट
कंटेंट। और दोस्तों ये जो इट है ये फाइल के लिए यूज़ किया गया है और ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी किसी नाम के लिए यूज़ किया, जो किसी नाउन के स्थान पर कोई शब्द यूज़ किया जाए उसे प्रोनाउन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। तो सर्वनाम, तो ये इट जो है वो फाइल के लिए यूज़ किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, इट कंटेंट ऑल द इन्फॉर्मेशन, मतलब उसमें सारी जानकारी थी अबाउट द नोटोरियस टेररिस्ट। नोटोरियस का मतलब था कुख्यात, तो इसमें सारी जानकारी थी कुख्यात आतंकवादियों के बारे में, अबाउट द नोटोरियस टेररिस्ट। चलिए आगे देखिए, अर्जुन न्यू दैट द फाइल वॉज कैप्ट सेफली इन द कपबोर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ तक अर्जुन न्यू, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इसकी स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं अफर्मेटिव का, तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और इस वाक्य की जो पहचान है, जब कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें ताथा तिथि आता है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ किया जाता है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। और ये नो की सेकंड फॉर्म है, के एन ओ डब्ल्यू फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म है के एन ई डब्ल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ, अर्जुन न्यू, अर्जुन जानता था दैट की द फाइल वॉज कैप्ट, कि जो फाइल है वो रखी गई है सेफली, सुरक्षित तरीके से इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में रखी गई है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अर्जुन न्यू दैट द फाइल वॉज कैप्ट सेफली इन द कपबोर्ड, मतलब अर्जुन जानता था कि जो फाइल है उसे कपबोर्ड में सुरक्षित तरीके से रखा गया है, रखा गया था। चलिए आगे देखिए, अर्जुन एंड करण वर प्लेइंग व्हेन टू टेररिस्ट गॉट इनटू देयर हाउस एंड सेड वेयर इज द रेड फाइल। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है अर्जुन एंड करण वर प्लेइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर आएगा, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है अर्जुन एंड करण, ये प्लूरल नाउन, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ में वर का प्रयोग किया गया है। और प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेइंग, मतलब खेलना। तो क्या मतलब हुआ, अर्जुन एंड करण वर प्लेइंग, मतलब अर्जुन और करण खेल रहे थे व्हेन, जब टू टेररिस्ट गॉट इनटू देयर हाउस, जब जो दो आतंकवादी थे, ये गेट इनटू के सेकंड फॉर्म है, गॉट इनटू वो घुस गए, गॉट इनटू देयर हाउस उनके घर में घुस गए, एंड सेड और कहा वेयर इज द रेड फाइल। और ये भी हमारा ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, वेयर इज द रेड फाइल, और वेयर का मतलब कहाँ, वेयर इज द रेड फाइल, लाल फाइल कहाँ है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से, अर्जुन एंड करण वर प्लेइंग व्हेन टू टेररिस्ट गॉट इनटू देयर हाउस एंड सेड वेयर इज़ द रेड फाइल, मतलब अर्जुन और करण खेल रहे थे जब दो आतंकवादी उनके घर में घुसे और उन्होंने कहा वेयर इज़ द रेड फाइल, लाल फाइल कहाँ है। चलिए आगे देखिए, अर्जुन वॉज क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, एडजेक्टिव है, नोट कर लीजिए, अर्जुन वॉज क्लेवर, अर्जुन चालाक था, ही सैड उसने कहा द फाइल इज कैप्ट इन द बेडरूम अबव द कपबोर्ड आई कांट रीच इट। क्या मतलब हुआ, ही सैड उसने कहा द फाइल इज कैप्ट, कि जो फाइल है वो रखी हुई है इन द बेडरूम, बेडरूम के अंदर रखी है, अबव द कपबोर्ड, कपबोर्ड के ऊपर बेडरूम में रखी हुई है, आई कांट रीच इट, और रीच का मतलब होता है पहुँचना, आई कांट रीच इट, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। चलिए आगे देखिए, बोथ द टेररिस्ट गॉट इनटू द बेडरूम, और ये गेट की सेकंड फॉर्म है, गेट इनटू मतलब होता है घुस जाना, तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बोथ द टेररिस्ट गॉट इनटू द बेडरूम, मतलब जो दोनों टेररिस्ट थे गॉट इनटू द बेडरूम, वो बेडरूम में घुस गए, टू गेट द रेड फाइल, टू और गेट का मतलब प्राप्त करना, टू गेट द रेड फाइल, रेड फाइल को प्राप्त करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो दोनों आतंकवादी थे वो बेडरूम में घुस गए लाल फाइल को हासिल करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे देखिए, एज दे वर सर्चिंग फॉर द फाइल, एज दे वर सर्चिंग फॉर द फाइल, मतलब जैसे वो लोग फाइल की तलाश कर रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे, अबव द कपबोर्ड, कपबोर्ड के ऊपर,
अर्जुन क्विकली लॉक्ड द डोर। और दोस्तों क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, और ये एक एडवर्व है। एडवर्व का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, उसे एडवर्व कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसे शब्द होते हैं जो एलवाई पे खत्म होते हैं वो एडवर्व कहलाते हैं। तो क्या मतलब हुआ, अर्जुन क्विकली लॉक्ड द डोर, अर्जुन ने जल्दी से दरवाजे को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। एंड कॉल्ड हिज नेबर्स, और उसने अपने जो नेबर्स मतलब पड़ोसी, और अपने उसने उसने अपने पड़ोसियों को बुला लिया। चलिए आगे देखिए। ही ऑल्सो फोन्ड हिज फादर। दोस्तों ये जो वर्ड है शायद ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, आपने सुना होगा फोन, लेकिन आप शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि जो फोन है वो एक नाउन तो है, और नाउन होने के साथ साथ वो एक वर्ब भी है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वो आप फोन को एक वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मतलब होता है किसी को फोन करना, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया फोन्ड। तो क्या मतलब हुआ, ही ऑल्सो फोन्ड हिज फादर, ऑल्सो का मतलब होता है भी, ही ऑल्सो फोन्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को भी फोन कर दिया। सून मतलब जल्दी ही, His father and police reached their house, क्या मतलब है, जल्दी ही जो उनके पिता थे और पुलिस reached their house, वो उनके घर पर पहुंच गई। चलिए आगे देखिए। So both of the terrorists were arrested, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये past indefinite का passive voice का sentence है, और आप इस चीज़ को note कर सकते हैं जब किसी भी वाक्य में was या were का प्रयोग किया जाता है और साथ में verb की third form लगाई जाती है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो past indefinite का passive voice का sentence कहलाता है। तो ये हमारा passive voice का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब एक बार समझ लेते हैं। So both of the terrorists were arrested, इसलिए जो दोनों terrorists थे आतंकवादी थे were arrested, उन्हें गिरफ्तार किया गया, पकड़ लिए गए। Clever Arjun had helped his father in arresting the terrorist by his cleverness, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ पर भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य को बनाया जाता है तो वहाँ पर सिर्फ हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और हेल्प की थर्ड फॉर्म है हेल्प, इसका मतलब होता है मदद करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्लेवर अर्जुन हैड हेल्प्ड हिज फादर, मतलब चालाक अर्जुन ने अपने पिता की मदद की थी इन अरेस्टिंग द टेररिस्ट, टेररिस्ट को गिरफ्तार करने में, बाय हिज क्लेवरनेस, अपनी चतुराई से। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये जो वर्ड है क्लेवरनेस, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है चालाकी, तो अपनी चालाकी से उसने मदद की। आगे देखिए। ऑल द नेबर्स प्रेज्ड हिम, और दोस्तों प्रेज करने का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और प्रेज की पी आर ए आई एस ई, ये फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप इसमें डी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म प्रेज्ड। तो क्या मतलब हुआ, ऑल द नेबर्स प्रेज्ड हिम, मतलब सभी पड़ोसियों ने उसकी तारीफ की। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी, एंड आई होप दैट यू नो यू रियली लाइक्ड द स्टोरी। इफ़ यू रियली लाइक्ड द स्टोरी एंड यू रियली लाइक्ड द वे आई टीच, सो जस्ट यू नो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से, और मे बी इफ़ यू हैव यू नो अंडरस्टूड, और इफ़ यू हैव फाउंड अ न्यू वर्ड टूडे इन द टूडेज वीडियो, सो प्लीज़ यू नो जस्ट शेयर योर फीडबैक विद मी। And guys, just thank you so much, because you guys have been giving a lot of, you have been very helpful for me, because I started this channel and I never thought that, you know, I'll get such huge response from my audience. So thank you so much for that. Have a nice day and bye.